हेलो दोस्तों, फ्यूचर कॉप आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो लेक्चर्स थे 15 लेक्चर हो चुके हैं। अब उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे इनको, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उनको साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे, बीच में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। वैसे हमारा काफ़ी सिलेबस उसका कवर हो चुका है, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर लेते हैं आप। तो 15 हो चुके हैं, उसके बाद इनको कवर करने जा रहे हैं। तो हमने अब तक क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, मैंने उसके अंदर आपको बताया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आएंगे, फिर इंडिया के अंदर वो आके हमारे राजा वगैरह उनको हटा के, ठीक है, इंडिया के अंदर में कैसे एस्टैब्लिश होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हमने कवर कर लिया किस तरीके से इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, इंडिया के अंदर कुछ अपनी पॉलिसी अप्लाई करेंगे कि इंडिया के अंदर कैसे रूल करेंगे वो। तो वो हमारा सेकेंड पार्ट होता है जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं इस टाइम। हमने इसके अंदर क्या देखा, इकोनॉमिक पॉलिसी को देखा, इकोनॉमी के अंदर क्या क्या किया उन्होंने, उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ इंडिया के अंदर वो देखा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकली इन्होंने क्या क्या चेंज किया इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद देखेंगे सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंज किया इनके द्वारा। तीन पार्ट में देखा, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोसाइटी के अंदर क्या चेंज किया। उसके बाद देखेंगे अब ये चेंज तो इन्होंने कर दिया, उसका इंडिया वाले क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसके अंदर हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या इनके द्वारा लेके आए गए, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करेंगे, ये भी काफ़ी लंबा टॉपिक होगा। तो आज सिर्फ हम देखने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ था। तो फर्स्ट आपको जो पता होना चाहिए इन एक्ट के बारे में, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग सी टर्म यूज़ होंगी, तो आपको इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर या एक तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल कंडीशन में भी आपको पता होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है। तो हमारे पास में दो कंट्रीज़ हैं, एक हमारा ब्रिटेन, एक आ रहा है हमारे पास इंडिया, ठीक है। तो हमें पता है, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा कि यूरोप के अंदर हमारा रेनेसां होता है और ये नई नई लैंड खोजने लगते हैं, इनकी अपनी ट्रेडिंग वगैरह इंक्रीज़ करते हैं और नई नई लैंड की खोज करना शुरू कर देते हैं हमारे उस, जिसके अंदर हमारे पुर्तगीज़ और स्पेन हमारे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो वो जो थे इंडिया के साथ में ट्रेड करते थे हिस्टोरिकली, लेकिन अब यहाँ पे जो था मुस्लिम पॉपुलेशन आ चुकी थी, इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी थी उनकी बनती नहीं थी, वैसी सिचुएशन में इनके जो लैंड रूट थे इनको खरीदना पड़ता था मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उनसे। तो इंडिया काफ़ी पॉपुलर होता था, तो इंडिया को खोजने के लिए अलग अलग जगह पे वो एजिस जाते हैं इनके, ठीक है, वो डिस्कवर करने के लिए जाते हैं और ये अलग अलग प्लेसेस को खोजते हैं, फिर अमेरिका की कॉलोनाइजेशन होगी। तो इन्हीं कंडीशन के अंदर में इंडिया को भी खोजने की कोशिश की जाती है और जो हमारे पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट थे उनके साथ में ट्रेडिंग शुरू की जाती है। अब बात करेंगे तो हमारे जो पुर्तगीज़ थे वो जो ब्रिटिश थे ये तो हमारे 1600 के अंदर आए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस टाइम। उससे पहले हमारे जो पुर्तगीज़ थे वो आ चुके थे इस एरिया के अंदर में, डच हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, नीचे एशियान वाले रीजन के अंदर डच भी आ चुके थे। अब जो थे इंग्लिश, जो थे इंग्लिश को लगा कि इनके द्वारा जो गवर्नमेंट थी एंड अदर जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे उनके द्वारा, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया, इनको पुश किया गया कि आप एक कंपनी का निर्माण करो और जो डच हैं इनकी मोनोपोली जो है उसको ब्रेक करो आप। तो ये मेनली जो इंडोनेशिया के ऊपर, इंडोनेशिया से ट्रेड कर रहे थे उसको आप ब्लॉक करो, उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस था कि इनके साथ में कंपटीशन करो इस एरिया के अंदर जाके। अब ये जो है कंपनी बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी और उसको बोलेंगे कि आपको केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे केप टाउन है, ठीक है, उसके पास में केप ऑफ गुड होप, मतलब यहाँ साउथ अफ्रीका के साउदर्न एरिया के ऊपर, यहाँ से ईस्ट की साइड में आपको इंडिया आ जाता है जिसमें चाइना आ जाता है, हमारी ये वाली कंट्रीज़, इनके अंदर आपको मोनोपोली दे दी, मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ से ट्रेड करेगी, ये बोल दिया इनको 1600 के अंदर में। और ये कब तक बोला इनको, इनको बोला 15 साल तक होगा ये, सिर्फ आप ही ट्रेड कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी प्राइवेट कंपनी है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका बहुत कम कंट्रोल है इनके ऊपर, तो ये अपने तरीके से गवर्न कर रहे हैं, 15 ईयर के लिए बोला। उसके बाद ये धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करते रहते थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पैसे देती थी गवर्नमेंट को, ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसके शेयर होल्डर होते थे। कंपनी कैसे बनती है, कंपनी उसके शेयर होल्डर जिन्होंने इसमें पैसे लगाए हों, तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, ठीक है। तो उनके द्वारा कंपनी बनाई गई और इंडिया के अंदर इसको भेजा गया। अब इंडिया के अंदर कैसे आई वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर इनके द्वारा इंडिया के अंदर जो रूल था उस टाइम क्या था, राजा महाराजाओं वाला रूल था, ठीक है, उसको इन्होंने उखाड़ फेंका यहाँ पे और उसके बाद में अपने छोटे छोटे एरिया यहाँ पे डेवलप किए। तो इन्होंने हमारे मेन तीन एरिया के ऊपर आते हैं, एक हमारा बॉम्बे, एक हमारा मद्रास, ठीक है, और ऊपर हमारा कलकत्ता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये छोटे मोटे ट्रेडिंग राइट लेते हैं, फिर छोटी मोटी फैक्ट्रीज लगाते हैं, फिर धीरे धीरे जब इनका एरिया इंक्रीज़ होने लगता है तो ये क्या करते हैं, गवर्नेंस के लिए, वहाँ पे गवर्न करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती है, यहाँ पे बना देती है प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज मतलब छोटे छोटे गवर्निंग के लिए एरिया। तो तीन प्रेसिडेंसी बनाते हैं, एक हमारी कलकत्ता वाली, ठीक है, एक हमारी बॉम्बे एंड नीचे हमारी मद्रास वाली,
ठीक है। तो इनका एरिया पहले काफ़ी छोटा छोटा था, लेकिन बाद में जब पूरा एरिया कैप्चर कर लेते हैं फिर तो ये काफ़ी बड़ी प्रेसिडेंसी बन जाती है, वैसे ये छोटी छोटी थी। तो इनके अंदर गवर्न करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, उसको भेजा जाता है, उसको बोलते हैं ईस्ट की साइड में आपका मोनोपोली है। अब वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी लिखी हुई मिलेंगी आपको आगे, बट यहाँ से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहिए चीज़ों के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके पीछे शेयर होल्डर हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर होंगे, काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स हैं कैसे वर्क करेगी ये, अब पूरे शेयर होल्डर से तो पूछ नहीं सकते। जैसे मान लो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी आपने डिफरेंट कंपनी जैसे जियो के आपने शेयर खरीद के रखें, तो आपसे तो पूछेंगे नहीं वो कि जियो कहाँ पर इन्वेस्ट करे, कैसे जियो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए, वो सब चीज़ें नहीं पूछी जाती, शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपॉइंट किया यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये 24 मेंबर इनके द्वारा अपॉइंट कर दिए गए कि आप देखोगे इनके बारे में, इनको एक साल, हर साल इनको एनुअल बेसिस के ऊपर अपॉइंट करना है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है, ये गवर्नमेंट को पैसे पे कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे आ गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कहाँ पे बैठेंगे, ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन के अंदर देखेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। लेकिन अब यहाँ पे क्या बनाया, इंडिया के अंदर क्या बनाया इन्होंने, तीन प्रेसिडेंसीज, तीन एरिया बना दे, एक कलकत्ता, एक बॉम्बे और एक मद्रास, तीन एरिया इंडिपेंडेंट एक दूसरे से। ये जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं इनके अंडर आ रहे हैं तीन एरिया, तो एक कलकत्ता, एक हमारा बॉम्बे, एक मद्रास। हर जो हमारा तीन प्रेसिडेंसीज हैं, तीन जो छोटे छोटे डिवीज़न बना के रखे हुए हैं रूल करने के लिए, उनका एक गवर्नर होगा, ठीक है, और उसके नीचे एक काउंसिल होगी, ठीक है, वो गवर्न करेंगे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप होता है वैसे ही एक गवर्नर होगा और उसके नीचे काउंसिल होंगी। तीनों प्रेसिडेंसीज जो थी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब एक दूसरे को नहीं पूछेंगी डिसाइड करने के लिए कि हमें अटैक करना चाहिए किसी पे, ट्रीटी करनी चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं पूछा जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। और लेटर ऑन इनको यहाँ पे रूल वगैरह बनाने के लिए इनको बोल दिया जाता है। तीनों जो प्रेसिडेंसी हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके लिए, ये जो 24 मेंबर वाली कमेटी है, ठीक है, ये इनके अंडर आ रही हैं, लेकिन आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है ये इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल कंडीशन है इंडिया के अंदर में जो आपको समझनी है, अगर आपको एक्ट के बारे में समझना है, इंडिया के बारे में समझना है। तो हमने देख लिया इसके बारे में, अब देखते हैं फ्यूचर के अंदर आगे जाते हैं। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो हमने देखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा आपको तीन प्रेसिडेंसीज हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, और गवर्नर और उसकी काउंसिल रूल कर रही है हर प्रेसिडेंसीज को। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब तक जो हमने पीछे देखा उसी तरीके से वर्क कर रहा है, तीन प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट एक दूसरे के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक साल के लिए उनको अपॉइंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है, और वो फंक्शनिंग को देख रहे हैं ब्रिटेन के अंदर, इंडिया के अंदर गवर्नर और उसकी काउंसिल देख रही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब फर्स्ट टाइम इनके द्वारा जो था डायरेक्शन दी गई, रिटन में इनको डायरेक्शन दी गई, एक्ट पास किया गया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। अभी तक हमने देख लिया यहाँ पे कि कंपनी जो थी प्राइवेट कंपनी थी, इनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब कुछ कंडीशन ऐसी बन गई कि गवर्नमेंट ने सोचा इनको रेगुलेट कर लिया जाए। तो वैसी कंडीशन के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट इनके द्वारा पास किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल था उसको इंडिया के अंदर में रेगुलेट करने के लिए। अब ये जो था सफल नहीं होता ये हमारा 1773 का एक्ट, तो उसके बाद में थोड़ा और इसको टाइट करते हैं, मतलब जो उसमें कमियां बच चुकी थी उसके बाद इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक्ट लेके आते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने कंपनी का फंक्शन देखा किस तरीके से एडमिनिस्टर कर रही थी हमारी इंडिया को, उसी को यहाँ पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी की एट द टाइम ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773। अब 1773 से पहले हमें पता है क्या क्या हुआ था, हमारी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764, उसके बाद में यहाँ पे जो हमारी ब्रिटिश थे इनके द्वारा इंडिया के अंदर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया गया था, तो इनको शाह आलम टू जो हमारा मुगल एम्परर था उसके द्वारा दीवानी राइट दे दिए गए थे, मतलब कि ये यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे बंगाल बिहार एंड उड़ीसा से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लेके आए थे, वो हम थोड़ा आगे देख लेंगे, वैसे हमने डुअल गवर्नमेंट पहले देख चुके हैं। तो समझते हैं यहाँ पे किस तरीके से पहले रूल किया जा रहा था और रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो क्या चेंज करेगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारी, जो रूल किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के अंदर में, यहाँ पे वर्ड के ऊपर ध्यान देना, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर क्या था, एक बॉडी के द्वारा मैनेज किया जा रहा था जिसमें 24 हमारे पर्सन थे, जिसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता था शेयर होल्डर के द्वारा, शेयर होल्डर उनको एनुअल बेसिस के ऊपर हर साल उनको इलेक्ट किया करते थे, और ये जो पूरे शेयर होल्डर थे इनको क्या बोलते थे, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं प्रोपराइटर आजकल भी बोलते हैं हम जिनके पास शेयर होते हैं। नेक्स्ट आता है इन इंडिया, ये देखा इन इंग्लैंड, इन इंडिया थ्री प्रेसिडेंसीज मतलब छोटे डिवीज़न रूल करने के लिए बनाए थे, एक बॉम्बे में, मद्रास में और कोलकाता में,
ठीक है। और ये इनके अंतर्गत कौन होगा, इनके अंतर्गत एक पर्सन होगा जो कि इनको रूल करने वाला होगा, जिसको बोलेंगे हम गवर्नर, प्रेसिडेंट होगा जिसको गवर्नर बोलेंगे, ठीक है। और इसकी काउंसिल होगी, ठीक है। तो हमें क्या देखा यहाँ पे, तीन प्रेसिडेंसीज इंडिया के अंदर और एक गवर्नर और उसकी काउंसिल यहाँ पे। फिर ये जो गवर्नर होंगे पर्टिकुलर एरिया के होंगे, जैसे हमारे बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का, कोलकाता का गवर्नर, जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी इंडिपेंडेंट होगी एक दूसरे के, ठीक है। और इनके ऊपर ईच अदर एंड ईच ऑफ देम वाज एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, मतलब वो अपने में ही एक गवर्नमेंट थी। जैसे बॉम्बे अलग गवर्नमेंट, मद्रास की अलग गवर्नमेंट, कोलकाता की अलग गवर्नमेंट, हर प्लेस में एक गवर्नर रूल कर रहा है और उसकी काउंसिल रूल कर रही है। यहाँ पे भी गवर्नर और इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना इनसे पूछेंगे किसी डिसीजन के अंदर। ये जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको आंसरेबल है तीनों, ठीक है। और ये जो था, ओनली रिस्पॉन्सिबल टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे। अब देखते हैं एक्ट क्यों लेके आए। जर्नल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब एक्ट के बारे में देख लेते हैं बैकग्राउंड। तो कंपनी वाज इंपॉर्टेंट टू ब्रिटिश एम्पायर, कंपनी इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश एम्पायर के लिए, इनको मोनोपोली देके रखी थी, मतलब कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। तो ब्रिटिशर्स भी कुछ चाह रहे थे इनसे कि कुछ चीज़ें हमें मिले इनसे। जैसे कंपनी जो थी पे करती थी 4 लाख यूरो के करीब, जो प्रेजेंट डे के अंदर में हमारे पास 46.1 मिलियन यूरो के करीब एनुअली इतना ये पे करते थे गवर्नमेंट को अपनी मोनोपोली बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया 15 साल के लिए दी थी, फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करवाते थे उनसे पूछ पूछ के कि हमारी मोनोपोली को और इंक्रीज कर दो, ठीक है। बट हैड बीन अनेबल टू मीट इट्स कमिटमेंट सिंस 1768। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मतलब इतना सारा पैसा देने की कमिटमेंट थी, लेकिन ये काफ़ी समय से उसको मीट करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो 1768 से जब से इनको मतलब टी की सेल के अंदर लॉस हो रहा था। हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या पढ़ा था, अमेरिका के अंदर में जो पीपल थे उनके ऊपर ये टैक्स लगा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर टैक्स थे, टी के अंदर में भी उन्होंने टैक्स लगा के रखा था। तो यहाँ पे उसके बाद में डिफरेंट एक्ट के थ्रू उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा बोला गया यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे हमारा अमेरिका। जो अमेरिका के अंदर टी आएगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया से डायरेक्टली नहीं आ सकती, या कहीं जो चाइना से लेके आते थे, ठीक है, चाइना काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर था ब्रिटिशर्स का, चाइना से टी लेके आते थे, वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाएगी। ब्रिटिशर्स जो हैं वो पहले यहाँ जाएंगे, ब्रिटेन के अंदर जो शिप्स होंगी उसके बाद में वो यहाँ पे जाएंगी। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे उनको टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से इनका जो दाम था वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता था। तो जो हमारे अमेरिकन थे वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात का, और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी होता है बाद में, तो उसमें टी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर रहे थे, वो मतलब स्मगलिंग से मंगवा रहे थे, 85% जो थी वो टी उसको स्मगल करके ही ले आ रहे थे, ब्रिटिशर से लेनी नहीं हमने टी। तो उसकी वजह से क्या था, जो हमारे ब्रिटेन के अंदर में गोडाउंस के अंदर में भरी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा टी वहाँ पर भरी पड़ी थी, यहाँ से जो सप्लाई थी, मतलब यहाँ पर डिमांड ही नहीं थी इनकी, तो फिर कहाँ से इन चीज़ों के बारे में जो टी था उसके कोई फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पे टी सड़ रही थी ब्रिटेन के गोडाउन के अंदर में। ऐसी सिचुएशन में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसी के लिए 1773 के अंदर में एक रेगुलेटिंग एक्ट भी लेके आते हैं, साथ में एक टी एक्ट भी लेके आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट टी को भी उस गोडाउन वगैरह खाली करने के लिए, टैक्सेस वगैरह डिक्रीज करने के लिए, या डायरेक्ट जो है सीधा अमेरिका के लिए टी एक्सपोर्ट की जा सकती है, उसके लिए एक टी एक्ट लेके आते हैं। बट उसको जानने की जरूरत नहीं है हमें, बट हमें इतना समझना पड़ेगा कि कंपनी के कुछ ऑब्लिगेशन थी, उनको पैसे देने पड़ते थे अपनी मोनोपोली को बरकरार रखने के लिए, लेकिन वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे बिकॉज अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर थी, एक तो ये लड़ाइयाँ कर रहे थे, फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ कर रहे थे, ठीक है, और करप्शन वगैरह काफ़ी था कंपनी के अंदर, उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस की कगार पे आ चुके थे। अब जो कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही थी इंडिया के अंदर में, उनको करप्शन की वजह से उनके सर्वेंट जो वर्क कर रहे थे वहाँ पे वो पैसे ले जाते थे बीच में, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की कगार पे आ चुकी थी। और जो इन्होंने 1 मिलियन पाउंड का लोन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया 1772 में, तो ये जो हमारा लोन है 1 मिलियन पाउंड का, ये किसने किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है, नीचे हमारे प्रोपराइटर हैं, मतलब शेयर होल्डर हैं, उनके द्वारा एनुअली इलेक्ट किए जाते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। उनके अंतर्गत यहाँ पे आती हैं तीन प्रेसिडेंसीज, ठीक है, 1, 2 एंड 3, तीन प्रेसिडेंसी आ रही हैं, ये हमारे इंडिया के अंदर, ये हमारी ब्रिटेन के अंदर में। तो इतना हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनको लगा ये तो मतलब जो हमें चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही। अब मिल क्यों नहीं रही थी, करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, नेपोटिज्म, जो हमारे गवर्नर उनके जो सर्वेंट वगैरह जाते थे वहाँ पे, जब वो ब्रिटेन के अंदर वापस लौटते थे तो वो मिलीनियर बिलीनियर बन के वापस लौटते थे। ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर मुकदमे चलते थे ब्रिटेन के अंदर में, तो उस टाइप के यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट थी। और ये करप्शन, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, मतलब यहाँ पे जो
लोग थे, कंपनी के सर्वेंट थे, उनको कोई मेरिट बेस पे तो इलेक्ट करते नहीं थे, जैसे बाद में क्या आता है सिविल सर्वेंट लेके आते हैं ताकि मेरिट बेस के ऊपर सिस्टम लेके आएँ, तभी लेके आते हैं वो इंडिया की भलाई के लिए, लेके आते सिविल सर्वेंट यहाँ पे लेके आते हैं मेरिट बेस पे, वो इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ पे करप्शन हो रहा था। और जैसा हमने पहले देखा था वो क्या कर रहे थे, जो ट्रेड करना होता था उसके लिए पासिस होते थे, फ्री पासिस, बिना टैक्स के वहाँ प्लेस से निकल सकते थे। वैसी सिचुएशन में जो कंपनी के पासिस होते थे उनका यूज़ कर रहे थे, जो प्राइवेट कंपनी के जो सर्वेंट थे वो प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, और कई बार जो हमारे लोकल रूलर थे, लोकल जो मर्चेंट थे उनको भी पासिस दे देते थे कि आप भी फ्री में ट्रेड कर लो। ऐसी सिचुएशन में जो रिवेन्यू मिलना चाहिए था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो उनको नहीं मिल रहा था, और जो एम्प्लॉय थे वो अमीर होते जा रहे थे। उसके बाद हमारे पास टेरिबल फेमाइन आता है बंगाल के अंदर में, ये हम देख चुके हैं डिटेल में, 1770 के अंदर टेरिबल फेमाइन आता है और करोड़ों लोग इसके अंदर में मारे जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा डुअल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट बनाई गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, वो जो थी काफ़ी कम्प्लेक्स थी, उसमें काफ़ी इशू थे। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमारी 1764 के अंदर में बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो हमारा शाह आलम टू मुगल एम्परर था उसके साथ में नेगोशिएशन होती है ब्रिटिशर्स की, और वो उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, वो काफ़ी भावुक हो जाता है, और उसके बाद बोलता है कि आप दीवानी राइट ले लो। दीवानी राइट मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने का राइट, सबसे बड़ा राइट होता है, बिकॉज जब आप पैसे लेने का राइट दे देते हो किसी को, मतलब वो ज़मीन आपकी हो गई, उस तरीके से पूरा मतलब इंडिया के ऊपर काफ़ी पकड़ बन जाती है इनकी। तो इनको बोलते हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टैक्स ले सकते हो, आपको दीवानी राइट दे दिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब आपको क्या करना होता है, एक तो टैक्स लेने वाला राइट होता है, दूसरा होता है टैक्स को बांटने वाला राइट, मतलब आपको सोशल वेलफेयर करना है, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लोगों को जस्टिस प्रदान करना है, ठीक है, लोगों के प्रति भी तो जनता जो गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल होती है। लेकिन इनको क्या मिला, टैक्स कलेक्ट करने का राइट, जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको मिला टैक्स कलेक्ट करने का राइट, बट जो इनको ऑब्लिगेशन थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसकी थी, नवाब की। तो नवाब के पास में पैसे नहीं है, उसको लिमिटेड अमाउंट देते थे ये, ठीक है, तो नवाब के पास में कोई पैसे नहीं, काम उसको काफ़ी करना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो जुडिशरी थी, जो जस्टिस सिस्टम था, जुडिशरी मतलब उस टाइप का सिस्टम तो नहीं था जैसा प्रेजेंट डे के अंदर होता है, बट वहाँ पे जो नॉर्मल सा सिस्टम था उस सिस्टम के अंदर में इंटरफेयर करते थे जो हमारे ब्रिटिशर्स थे। तो ये था डुअल गवर्नमेंट, मतलब कि टैक्स लेने वाला काम इनका, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब की। तो दो अथॉरिटी काम कर रही है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब भी। ये सिस्टम हुआ, इसके अंदर में काफ़ी कम्प्लेक्सिटी आई, और बाद में हमारे वॉरेन हेस्टिंग आते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपको, डुअल गवर्नमेंट किस कौन लेके आया था, रॉबर्ट क्लाइव, किसने अबोलिश की, वॉरेन हेस्टिंग आता है और 1772 में इसको अबोलिश कर देता है। और वो क्या करता है, अब दो थे टैक्स लेने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को, नवाब हमारा रूल कर रहा है, लेकिन इन्होंने नवाब को ख़त्म किया, उसको पेंशन वगैरह देंगे, ब्रिटिशर ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया 1772 में, ठीक है। अब इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल लिया, यहाँ पे क्या इशू आया, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई रूलर तो थी नहीं, मतलब उनको गवर्नेंस कहाँ आती थी, पीपल के ऊपर रूल कैसे किया जाएगा, वो ये तो एक प्राइवेट कंपनी के तौर के ऊपर आई थी। तो अब गवर्नमेंट को लगा, वहाँ पे आवाज़ें उठने लगी कि ये जो है इन्होंने तो टेरिटरी वहाँ पे कैप्चर कर ली है, ये तो कंपनी के तौर के ऊपर गई थी, अब इनको गवर्नेंस कहाँ आएगी, लोगों की वहाँ पे सेवा करनी है, और जो भी चीज़ें होंगी इनके पास में कहाँ ऑफिशियल होंगे, तो ऐसा करो कि इनको रेगुलेट करने की कोशिश करो, और जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करे ऑफिसर वहाँ, ऑफिसर जो होंगे गवर्नेंस करने के लिए, ठीक है। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, दीवानी राइट दे दिए गए बैटल ऑफ बक्सर के बाद में हमारे ब्रिटिशर्स को, ठीक है, और नवाब के पास में क्या थे, निजामत जो राइट थे वो नवाब के पास में थे, जिसमें उसको जो हमारे जुडिशरी वाले फंक्शन और जो उसको पॉलिसिंग करनी थी सोशल वेलफेयर के लिए और अदर जो थिंग्स थी वो नवाब को दे दी, और नवाब के पास में पैसे नहीं है उसको करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा फेल होता है, और उसके बाद में उसको 1772 में अबोलिश कर दिया जाता है, और उसके बाद में डायरेक्ट रूल कर दिया जाता है, मतलब वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा डायरेक्ट कंपनी रूल करेगी अब डायरेक्ट तरीके से। फिर वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर आवाज़ें उठने लगती हैं कि ये जो हमारी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको गवर्नेंस तो आती नहीं है, तो वहाँ पे नॉर्थ्स गवर्नमेंट मतलब लॉर्ड नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम ब्रिटेन के, वो जो थे मतलब यहाँ पे आवाज़ें उठने लगती हैं कि एक तो करप्शन हो रहा है, सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, हमें पैसे जो हैं जितने मिलने चाहिए उतने पैसे हमें नहीं मिल रहे, ऊपर से इन्होंने यहाँ पे टेरिटरी कैप्चर कर ली है, ये तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए गए थे, इनको क्या पता रूल कैसे करते हैं। वैसी सिचुएशन में लॉर्ड नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर वहाँ के ये कमेटी बनाते हैं, सीक्रेट कमेटी, स्टडी करो क्या करना चाहिए हमें वहाँ पे। सीक्रेट कमेटी बोलती है एक एक्ट पास करो और इनको थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश करो जो कंपनी आपकी। तो उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरा मैनेजमेंट जो सिस्टम होगा कंपनी का उसको हम अच्छा बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा अपना कंट्रोल लेके आएंगे। तो ये जो था हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो था पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल कब आया पूरे तरीके से, 1858 के अंदर में। तो ये फर्स्ट स्टेप था जब गवर्नमेंट ने ट्राई किया एक
रिटन लॉ के तहत कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन से एक्ट के अंतर्गत जो है कौन सा एक्ट फर्स्ट स्टेप था गवर्नमेंट के कंट्रोल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे पूरा कंट्रोल नहीं लेके गए, थोड़ा बहुत कंट्रोल लेके गए, ठीक है। तो ये जो था हमारा फर्स्ट स्टेप था, और इस एक्ट के अंतर्गत क्या करना था, सुपरवाइज करना था कंपनी के अफेयर को, देखना था इन्होंने, मतलब इसके अंदर ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की, बस इन्होंने सुपरवाइज जो इनके द्वारा सिस्टम चलाया जा रहा था उसके अंदर में उतना इंटरफेयर नहीं किया कि हम ही सब कुछ करेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, बट हम सुपरवाइज करेंगे, आपके काम को देखेंगे, आप कैसे वर्क कर रहे हो। तो इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला, मतलब रेगुलेट करने की बात थी कि ब्रिटिशर्स जो थे किस तरीके से रूल कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर। अब देखते हैं प्रोविज़न एक्ट के, प्रोविज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको क्वेश्चन के अंदर पता होना चाहिए फर्स्ट एक्ट जो रेगुलेट करने के लिए बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, उनकी पार्लियामेंट के द्वारा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप था ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ, तो इसमें सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया था। मतलब कि जो हमने क्या देखा, एक हमारी कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी ये अलग रूल कर रही है अपने में, ये अलग रूल कर रही है, ये अलग रूल कर रही है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे की। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता को आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया हुआ है। तीन जो हमारी प्रेसिडेंसी हैं इनको जब मिलाओगे तो क्या बोलेंगे, ब्रिटिश इंडिया। तो बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया पूरा एक वर्ड और उसके अंतर्गत तीन एरिया जो हैं कैप्चर करके ये रूल कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, बट इनको सेंट्रलाइज करना कि मतलब इसको जो हमारी कलकत्ता वाली थी इसको ज़्यादा पावर दे दी, इसको बोला आप इनके ऊपर पावर यूज़ कर सकते हो। पहले क्या था, ये रूल बना सकते थे, ये भी बना सकते थे, किसी के साथ ट्रीटी करनी हो, युद्ध करना हो, ये अपने से कर लेते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछ सकते थे, बट ये इंडिपेंडेंट थे, इनको कलकत्ता से नहीं पूछना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, एक्ट एलिवेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर था बंगाल का उस टाइम कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। पहले कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव क्या लेके आया था, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को अबोलिश कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर था बंगाल का उसको एलिवेट कर दिया, मतलब उसकी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया, उसको क्या बोला, आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, ठीक है। और मेन क्या इसके अंदर में चेंज आया कि सब्ज्यूम कर दी इन्होंने प्रेसिडेंसीज मद्रास और बंगाल की, अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। यहाँ पे हमारे पास कलकत्ता की प्रेसिडेंसी, यहाँ पे बॉम्बे की, यहाँ पे मद्रास की, यहाँ पे भी गवर्नर होगा, यहाँ पे भी गवर्नर होगा, यहाँ पे भी गवर्नर होगा, इसको हमने गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, ठीक है। पहले गवर्नर बोलते थे, अब गवर्नर जनरल बना दिया इसको बंगाल का। बाद में क्या चेंज करेंगे, इसका नाम वायसराय कर देंगे बाद में, इसका चेंज, ठीक है, नाम को चेंज करेंगे, वायसराय बोल देंगे इसको। बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहे हैं इसको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहे हैं, फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलेंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, और जो मद्रास और ये प्रेसिडेंसी थी जो इंडिपेंडेंट रूल बना सकती थी, इंडिपेंडेंट ट्रीटी कर सकती थी किसी के साथ में, उनको बोला कि आपको इनसे पूछना पड़ेगा, अगर आपने मान लो लड़ाई करनी किसी के साथ में तो इनसे पूछो, पहले कलकत्ता वालों से पूछो कि लड़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी सेटअप सेम रह गया यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ये बोल दिया गया। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, कि पावर जो थी वो बंगाल के अंदर कंसंट्रेट करने की कोशिश की, पहले ये इंडिपेंडेंट थी तीनों। फिर आता है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल। एक्ट में क्या बोला गया, गवर्नर जनरल तो अपॉइंट करना ही है, गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे, ठीक है, बंगाल के अंदर, और चार काउंसलर होंगे, चार पर्सन होंगे इसको असिस्ट करने के लिए। पहले जो इसकी नॉर्मल वाली काउंसिल है उसको और रेगुलेटेड करके इनके द्वारा डिसाइड किए गए कि क्या होने वाला है। तो गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग, और चार पर्सन यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार पर्सन इसकी काउंसिल, इनसे पूछ के ये करेंगे डिसाइड अब जो भी करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। और बैठेंगे कहाँ पे, फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम अंग्रेज़ों के द्वारा फोर्ट बनाया गया था, जो उनके राजा थे विलियम थ्री, उनके नाम के ऊपर फोर्ट विलियम इन्होंने नाम रखा था कलकत्ता में, वहाँ पे बैठा करते थे ये, वहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। और जॉइंटली इनको बोलेंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल, जैसे हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है आजकल, मंत्रिमंडल जो होता है उसी टाइप से ये इनके द्वारा बनाया गया। डिसीजन कैसे लेंगे, मेजोरिटी से, मतलब ये डिसीजन लेंगे कोई, उसके बाद वोटिंग करेंगे, जिसके जितने ज़्यादा वोट उस डिसीजन को ले लिया जाएगा। तो मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे। लेकिन इसमें क्या इशू आ गया, जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर को बहुत डिक्रीज कर दिया था। गवर्नर जनरल सिर्फ वोट कर सकता था अगर टाई हो जाती है केस के अंदर में, जैसे ये हमारा गवर्नर जनरल, यहाँ पे हमारे पास चार पर्सन, ठीक है। एक चेंज तो ये लेके आया, इसको सुप्रीम बना दिया बंगाल वाले को, नीचे वाले को बोला कि आपको पूछना पड़ेगा इससे, ठीक है। अब वो जो थे उनका थे वो बराबर बराबर रैंक के थे पहले, अब उनको भी गुस्सा आएगा इस सिचुएशन के अंदर में, ठीक है। तो इस एक्ट की कमी वो भी मानी जाती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार पर्सन, अगर मान लो इन तीन पर्सन ने डिसाइड कर लिया किसी चीज़ को पास करने के लिए, तो गवर्नर जनरल की कोई बात नहीं सुनेगा, बिकॉज गवर्नर जनरल का रोल तभी आएगा, मतलब इसके पास में गवर्नर जनरल डिसाइड नहीं करने वाला कुछ भी, अगर तीन पर्सन ने डिसाइड कर दिया तो गवर्नर जनरल को माननी पड़ेगी वो बात। और इसके पास ना वीटो पावर, उसको वीटो नहीं कर सकता था, और इसके पास में वोट था सिर्फ इन केस ऑफ टाई, ओनली इन केस ऑफ टाई। अगर टाई होता है, जो दो पर्सन है वो एक साइड और दो पर्सन एक साइड,
तो ये वोट कर सकता है, अदरवाइज ये वोट नहीं कर सकता। तो इस टाइप का एक्ट ये नॉर्मल कंडीशन में ही पता लग जाता है, ऐसा एक्ट टिकने नहीं वाला, ठीक है। और जो चार हमारे काउंसलर थे, इसको जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 मेंबर की समिति बनाई गई है, 24 मेंबर का ग्रुप है जो कि हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे शेयर होल्डर्स को, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके थ्रू चार मेंबर जो थे इनको बाय नेम उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कि इन पर्सन को काउंसलर बनाओ वहाँ पे, मतलब कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। उसके बाद क्या बोला गया, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स ब्राइब फ्रॉम नेटिव्स। तो इन्होंने क्या बोला कि आपको किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते आप। पहले ये खुद प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, कंपनी को जो बेनिफिट मिल रहे थे उन सब का यूज़ ये खुद कर रहे थे जो हमारी कंपनी के सर्वेंट हैं। अब इनको इनकार कर दिया गया जो ये फ़ायदा कमा रहे थे, यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा था लेकिन जो सर्वेंट थे वो प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर जा रहे थे। अब ये जो थे इनको इनकार किया गया, आप प्राइवेट जो ट्रेड है वो नहीं कर सकते। फिर इनको बोला आपको प्रेजेंट गिफ्ट वगैरह या ब्राइब नहीं ले सकते आप नेटिव से। अब ये क्या कर रहे थे जनता, मतलब ये जो प्रेजेंट और ब्राइब की बात करें, गिफ्ट तो इनको कौन देगा, बट जो इनकी पावर थी, मतलब इनकी पावर काफ़ी होती थी कंपनी के थ्रू, ये काम करवा सकते थे, तो इनको क्या होता है रिश्वत के तौर के ऊपर पैसे दे देते थे या ये डरा धमका के किसी से ले लेते थे या ज़मीन ले लेनी किसी से, कुछ भी ले सकते थे क्योंकि इनके पास में पावर थी, तो उनको गिफ्ट के तौर के ऊपर ये ले लेते थे। अदरवाइज इनसे कोई काम करवाना हो तो उसके तौर के ऊपर इनको गिफ्ट दे दिया जाता था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी ने क्या बोला कि ये जो पर्सन आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं इस तरीके से थोड़ी नहीं होती गवर्नेंस, मेरिट बेस के ऊपर। जैसे मान लो आज के हमारे सिविल सर्वेंट वो कर रहे हैं इस टाइप के काम की जनता से गिफ्ट ले रहे हैं, जो सिविल सर्विस के कंडक्ट रूल होते हैं उनके अंदर में लिखा होता है कि आप किसी से गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते, उनके लिए जो कौन से उत्सव पे कितने का गिफ्ट ले सकते हैं वो सब चीज़ें निर्धारित करके रखी हुई हैं। तो वो इसीलिए करके रखी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके जो सर्वेंट थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, उनको इनकार किया गया आप नहीं कर सकते इस टाइप का काम। फिर क्या बोला, फिर यहाँ पे सिस्टम क्या हुआ था, हमने देखा डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट में क्या था, डुअल गवर्नमेंट के अंदर हमारा दीवानी जो राइट था, रिवेन्यू लेने वाला राइट था, वो ब्रिटिशर्स के पास में, और बाकी जो जुडिशरी फंक्शन वो हमारे नवाब के पास में। लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये तो सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया। अब यहाँ पे जुडिशियल फंक्शन भी तो करने, इंडिया के अंदर में जुडिशरी वाला काम भी चाहिए होगा इनको, ठीक है, कोई अगर ट्रेड के डिस्प्यूट होते हैं उस सिचुएशन में इनको जुडिशरी का काम चाहिए और इतनी बड़ी जनता को रूल कर रहे हैं वहाँ पे जुडिशरी का फंक्शन चाहिए, तो इनको लगा अब कि हमें मतलब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए। तो इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं होगा ये, मतलब ये सुप्रीम नहीं था कंप्लीट तरीके से, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे ऊपर अपील नहीं है, बट इनकी अपील ब्रिटेन में की जा सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया हमारा कलकत्ता के अंदर, फोर्ट विलियम के अंदर, एंड ब्रिटिश जज लेके आए उसके लिए रूल करने के लिए, ब्रिटिश जज लेके आए, ब्रिटिश लीगल सिस्टम अपनाने की इनके द्वारा कोशिश की गई। यहाँ भी इनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, ये भी एक फेलियर का कारण बनेगा, बिकॉज ये जो थे कोर्ट तो वहाँ से आ गया, लॉ प्रोसीजर वहाँ से आ गया, लेकिन इंडिया के कस्टम कंप्लीट डिफरेंट होंगे। जो इनका सिस्टम था वो तो इंडिया के लिए एलियन सिस्टम था, इंडिया को तो कुछ भी पता नहीं था उस टाइम इन चीज़ों के बारे में। फिर क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्ट किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का टर्म 4 ईयर के लिए बोल दिया गया। ये उतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट जनरल आपको समझ आ गया होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे एनुअल बेसिस के ऊपर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। अब क्या बोला गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उनको 4 ईयर का टर्म बोला गया, 4 ईयर तक आप काम कर पाओगे। कंपनीज डायरेक्टर वर डायरेक्टेड टू मेक, कंपनी के डायरेक्टर को बोला गया कि आप पब्लिक करोगे ऑल कॉरस्पॉन्डेंस ऑन रिवेन्यू, आप पूरे जो डॉक्यूमेंट होंगे किस चीज़ से रिलेटेड, रिवेन्यू वाले, कोई सिविल वाले, मिलिट्री वाले, मतलब मोस्टली आपके सारे आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोला क्या गया इनके द्वारा, इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है, इंडिया के अंदर रूल कर रहा है गवर्नर, उसकी काउंसिल, और नीचे प्रेसिडेंसीज हैं, वहाँ पे गवर्नर जनरल, यहाँ पे गवर्नर बैठे हुए हैं, तो ये मेन अथॉरिटी आ गई कलकत्ता वाली। यहाँ पे कौन है, ब्रिटेन के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या बोला गया कि यहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट, आप क्या करोगे यहाँ पे इनके द्वारा जो एक्शन लिए गए रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री वाले, उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आते थे इनके पास में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास में आते थे। इनके द्वारा क्या बोला गया कि आपको वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, उनको सुपरवाइज किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये काम किया जाएगा। मतलब बेसिकली ये पूरे सुपरवाइज करने की बात कर रहे थे, पूरे तरीके से रेगुलेट करेंगे आप क्या क्या एक्शन लोगे, सब कुछ देखा जाएगा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये हमारे मेन प्रोविज़न थे, इनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेसिक प्रोविज़न अगर आपको क्लियर हो तो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी होता है। अब इसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से हमारा 1784 का एक्ट हमें पास करना पड़ता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या ड्रॉबैक रहते हैं, इसमें जो था गवर्नर जनरल को कोई विटो पावर नहीं थी, एक तो वोट नहीं कर सकता बेचारा, टाई के केस में वोट करेगा, विटो पावर कोई नहीं, तो 3 अगर मान गए वहाँ पे तो गवर्नर जनरल की कोई बात नहीं सुनेगा।
और इसमें क्या था, इंडियन के लिए तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर में जो हमें दिख रहा है, मतलब इंडिया के लिए तो कुछ भी नहीं था, उनको तो रिवेन्यू देना था, उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया था बेसिकली। क्यों बनाया गया था एक्ट को, एक्ट को बनाया गया तो क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको नुकसान हो रहा था इसकी वजह से, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसको बनाया। इसने कोई करप्शन वगैरह स्टॉप नहीं किया, जो कंपनी के ऑफिशियल थे, अब जिनको एक बार आदत पड़ चुकी है चीज़ों को करने की, उनको आप किस तरीके से चेंज कर दोगे। अब ऐसा तो था नहीं जो सर्वेंट थे उनको चेंज कर दिया इन्होंने, जो पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहा है वो तो सेम पर्सन है, और सिर्फ एक जगह पे करप्शन हो तो माने पूरा अगर सिस्टम करप्ट हो तो वहाँ पे कैसे फंक्शनिंग होगी, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नर जनरल जो थे वो हमारे काफ़ी ट्राई करते हैं कि करप्शन को दूर किया जा सके, उसी के लिए बाद में सिविल सर्वेंट लेके आते हैं कि एक एग्ज़ाम होगा उससे हम मेरिट बेस के ऊपर एक पर्सन को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस लेके आना चाहते थे अपने लिए ताकि करप्शन वगैरह ना हो। तो करप्शन जो था स्टॉप नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके और ज़्यादा एक्ट लेके आने पड़ते हैं इनको ताकि और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएँ कंपनी को। सुप्रीम कोर्ट की पावर को वेल डिफाइन नहीं करके रखा था, और जो सुप्रीम कोर्ट था उनके पास में उनको मतलब एक्चुअल में पता ही नहीं था उनको किस तरीके से वर्क करना है, बिकॉज एक तो वो नए एनवायरनमेंट के अंदर पहुंचे थे, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो हमारी कम्युनिटीज़ थी उनके अपने लॉज अलग अलग तरीके के होते थे, उस सिचुएशन के अंदर में इनका काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट होता है इनका सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नर जनरल के साथ में भी कन्फ्लिक्ट बनता है, और जनरल कंडीशन में भी ये जो था काफ़ी अच्छे से रूल नहीं कर पाते। उसी को जो था दूर करने के लिए फर्दर अलग अलग एक्ट पास करते हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आएगा आपको मेन आपको फोकस करना है प्रोविज़न के ऊपर, और जो बैकग्राउंड वगैरह था वो तो समझने की चीज़ें थी कि आपको पता होना चाहिए एक प्रोविज़न समझने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, फर्दर जो एक्ट होंगे हमारे उनको समझेंगे। थैंक यू।